इतनी अमीर हो गई मैं? हाँ अमीर थोड़ी हो तुम, टैक्स का पैसा ही तो चुरा रही हो, लेटेस्ट आईफोन ही तो चला रही हो, 1 करोड़ की मस्टैंग में गेड़ी ही तो लगा रही हो, रिबन काटने के 50,000 ही तो ले रही हो। भगवान इतनी गरीब इज द पुअर इज द लेडी को ना बनाए किसी को। यार रोजी रोटी नहीं करूंगी, गलत काम कर रही हूँ ना शादरा की मडोना, बिल्कुल भी गलत काम नहीं कर रही तुम। ट्रैफिक जैम, पब्लिक अनरेस्ट, रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट करने की कोशिश, दंगे भड़काने की कोशिश, भगवान का अपमान करना, ये सारे के सारे सिंपथी बटोरने के हथकंडे, कोई गलत काम थोड़ी है यार चंडाली का। गलत काम कर रही हूँ, गलत काम कर रही हूँ, गलत काम कर रही हूँ। हाँ तो दीदी पूतना सर तो दुखेगा ही ना इतना हार्ड वर्क करने के बाद। मंडे ट्यूसडे पब्लिक के साथ घूसम पिट्टी, वेडनेसडे थर्सडे एमसीडी वालों के साथ गाली गलौज, फ्राइडे सैटरडे दिल्ली पुलिस के साथ बेतकल्लुफी से लठबाजी। दीदी थक जाती होगी, संडे को ऑफ ले लिया करो टू रिजुविनेट फॉर द नेक्स्ट वीक। मेरा मालिक जितना देगा मैं उसमें खुश। मालिक इतना देगा उतना देगा कितना देगा? अरे अब तो मालिक भी तेरे को देख देख के परेशान हो गया, बोल रहा है यार ये मेरा लोन नहीं है, मेरे से क्यों भरवाई जा रही है ये किस्तें, एक तो हर कॉलेज में मेरी फोटो ले जाती है, मेरी फोटो वापस कर यार। 10 दिनों से मैं अपने घर में बैठी हूँ, कार्ड नहीं लगा रही। जुटी 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 कार्ड तो तब लगेगी ना जब मस्टैंग में घूमते हुए आईफोन खरीदते हुए रीले बनाने से फुर्सत मिलेगी। गलत काम कर रही हूँ, कुछ दिनों से चीजें ऐसी हो रही हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे समझ तुम्हें नहीं, जहरीली समझ हमें नहीं आ रहा कि ये कहानी शुरू हुई थी वड़ा पाव से, आज वड़ा कहीं पाव कहीं बच गई, यहाँ पे चुतिया पे की चटनी करा। नहीं, लेकिन आपके फैंस पूछ रहे हैं। अगर इसके फैंस है ना तो शहनाज गिल में टैलेंट है, विद्युत जामवाल असली का मार्शल आर्टिस्ट है, और एलवी यादव को कांग्रेचुलेशंस की स्पेलिंग आती है। इस सूखी हुई मुल्तानी मिट्टी की कटोरी का अगर कोई फैन है ना तो वो मुश्किल से मुश्किल खुद है। रेडी पे अपना काम करने दिया जाए, मेरा सेट वही सुकून है मेरा, बस वही मेरा सुकून है। अच्छा शाहरुख खान का सुकून भी प्रियंका चोपड़ा में है तो क्या हम मान ले? अगर तुम्हारा काम करने में सुकून होता ना तो इतना कलेश होने के बावजूद भी तुम एक छोटी मोटी दुकान किराए पे लेती और अपने काम पे लग जाती, लेकिन नहीं, अब सुकून मिलने लगा है रोज पब्लिक से गाली खाने वाली फेम में। अब ये फेम मिलेगी तभी तो जब बिग बॉस अपना एनुअल कूड़ा उठाने के लिए निकलेगा तो तुम्हें भी साथ में लेता जाएगा। गलत काम कर रही हूं। आई गेस मैं उशांतनु और सीजन 1 की अपार सफलता और लोड़ा लसन अवार्ड फॉर द बेस्ट कलेशी फीमेल इन लीडिंग रोल जीतने के बाद पगलैट वड़ा पाव वाली विद बुड़चुम्मा फूड व्लॉगर प्रोडक्शंस एक बार फिर से लेके आए हैं कलेश करेंगे, रोज करेंगे, बेधड़क करेंगे साप्ताहिक धारावाहिक का दूसरा भाग। तो इस आई नमिंग, हार्ट बीटिंग और टेस्टिकल टचिंग लिमिटेड वेब सीरीज का नाम है बकचोद वड़ा पाव वाली सीजन 2 द पिटाई। तो बस आज इसी चिकनी कढ़ाई को साफ करेंगे स्कॉच ब्राइट से, ऑनेस्टली सेइंग में। तो मसूड़ों में हो जाने वाले पायोरिया जैसे इस शो के अगर सीजन 1 के बारे में आप भूल गए हैं, मैं आपको एक क्विक रीकैप करते हुए इस एक्सट्रीमली लो ऑन लॉ एंड ऑर्डर बट एक्सट्रीमली हाई ऑन जाहिलपन, भाईयाती, ड्रामेबाजी एंड प्लेइंग वुमन कार्ड वाले शो के फर्स्ट सीजन की कुछ फंडामेंटल गांडू घटनाओं के बारे में बता देता हूं। क्योंकि ये साइफाई, एक्शन, ड्रामा और लर्न द फंड साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज अब शेरलिन चोपड़ा के बोटॉक्स की तरह आउट ऑफ कंट्रोल और निधि चौधरी की एस्ट्रोलॉजी की रील्स की तरह काफी नॉलेजेबल होती जा रही है। तो पहले सीजन में हमने देखा कि छपरी लड़कियों की माता मल्लिकाए जहरीली जुबान यानी कि चंडालिका दीक्षित को यह दिमागी गलतफहमी हो गई थी कि उनकी रेडी पर लोग वड़ा पाव के टेस्ट के चक्कर में आ रहे हैं, जबकि वो एक्चुअली में आते थे उनके गोरे रंग को ताड़ने। ये नहीं है कि सुंदर है इसलिए सारी भीड़ लगी। अपने पाव पर दिमाग लाइजोल जैसी जहरीली कीटनाशक जबान और तुम्हारे सांस की जैसी पहने नोकीले एटीट्यूड के चलते महारानी मूंग दाल अपने कस्टमर्स को भी हड़का देती थी। कैमरा देखते ही परिवार सहित छाती पीट पीट कर सड़क पर लेट लेट के रोना, बात पे बीमारी का नाटक करना और टैक्स चोरी की बात पे बार बार अपने बच्चे की सेहत को बीच में ले आना, सूर्पनखा काफी ज्यादा परेशान भी थी। बच्चा घर है, अभी कुछ फोन आ जाए, बच्चे कोई हो गया, मैं दौड़ के जाऊंगी मेरे बच्चे। और इनका पति इस जापानी लुल्ली पिशाचों के चोद भंगड़े में रियलाइज कर चुका था कि घर की लोकसभा में अब डिक्टेटरशिप आ चुकी है और मैं घर का राहुल गांधी बन चुका हूँ। और अब आगे मेरे पूरे हाथ पे नील के निशान, क्या वो चोट के निशान दिखा सकते? ये देखिए पूरा नील है यहाँ से। कहाँ है निशान? निशान कहाँ है निशान? नेहा निशान ना हो गए, प्रभात के एक्सप्रेशन हो गए, दिख ही नहीं रहे। अगर इस कसूरी मेथी के छोटे पैकेट के हाथ पे असली में मारपीट का निशान होते ना तो ये पहले तुम सारे के सारी टी शर्टों में से उसकी बाजुएं काट लेती, फिर उस हाथ को 1 महीने तक धोती ना और फिर उसके ऊपर परमानेंट टैटू करा के सबको दिखाती, देखो मारा है, मारा है, मारा है। मैं हार्ट पेशेंट हूं। हां आम पाचन की गोली, तू है हार्ट पेशेंट, बिल्कुल वैसे ही है जैसे नूरा फतेही और मैंने गूगल मीट पर रोका कर लिया है और जैसे आयशा खान मेरे गुड नाइट टेक्स्ट मैसेज का इंतजार कर रही है। मैं हार्ट पेशेंट भी हूं। अबे ये हिंदुस्तानी भाऊ का मर जाता है, मिलवाते क्यों नहीं इसको उससे?
टूटी नहीं हूँ अभी, मैं बिजनेस को लेके पूरी प्लस पॉइंट में पॉजिटिव हूँ। मैं अब तक टूटी नहीं हुई। अरे ये मत बोलो कि मैं अभी तक टूटी नहीं हूँ, बल्कि इस चीज की खैर मनाओ कि तुम्हारे को अभी तक रख के तोड़ा नहीं गया है, क्योंकि ये जो कंसिस्टेंट पब्लिक अनरेस्ट और धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है ना, और ये हरकतें थोड़े ज्यादा दिन अगर जारी रही, पत्र लिखा तो लिखवा के ले लो कि दिल्ली पुलिस की ये हट्टी कट्टी डबल एक्सएल महिला कांस्टेबल तुम्हें कुरकुरे की तरह तोड़ेंगी। मारपीट, गाली गलोच, हर चीज इंसानों में। देखो तो जरा कि दीदी के साथ कितनी ज्यादा मारपीट हो रही है। चुन्नी पे हाथ मत लगा देना। तो क्या हुआ, दीदी ने अपनी चुन्नी खुद गिराई। जब आंटी रिकीशी ने चुन्नी उठा के उनके ऊपर वापस देने की कोशिश करी, तो आंटी रिकीशी के साथ उन्होंने जोर जबरदस्ती और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो कर सकती है ना दीदी, बच्चे का बीमार है, मम्मी भी बीमार है, और कोई बीमार है, चलो देखो बेचारी दीदी को गाली भी तो दे रहे हैं। तो क्या हो गया अगर दीदी पहले अंकल पे चीखी चिल्लाई, फिर उसके बाद उनको दल्ला बोला, दलाल बोला, फिर उसके बाद उनके साथ फिजिकल असॉल्ट करने की भी कोशिश करी। लेकिन दीदी ये सब कुछ कर सकती है ना, क्योंकि दीदी का तो कॉफ़ एंड कोल्ड है, उनको यू, मम्मी को भी कब्जी टट्टी की बीमारी है, यू, पति को भी गैस हो रखी है, यू। अब इस कड़ी पत्ते को चुतियापे के तवे पर उछलता देख यहां से वहां मैंने देखा, व्हाट इज द टाइम, इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम डियर। तो मैं तुझे नहीं चंडालिका, पुलिस को बोलूंगा। बढ़िया धर पकड़ करी है तुम्हारी, बस अब लगे हाथ वो सब बोला डॉली चाय वाला भी पकड़ा जाए। तुम सब ने मिलके इलीगल इंक्रोचमेंट को साला सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना दिया है, और लड़ते झगड़ते ऐसे हो जैसे तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार हो। थोड़ा तो डर कोमोलिका, थोड़ा सा डर, पहले मम्मी बीमार, फिर बच्चे को इस चुतियापे की होम ट्यूशन में खींच लिया, और अब भगवान की आड़ में अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश। यार अब तो थारा भाई जोगिंदर भी तेरे से अच्छा लगने लगा है पब्लिक को। कोलैबोरेशन से ध्यान हटा, और टैक्स चोरी का जो थोड़ा मोड़ा पैसा इकट्ठा किया है पिछले साल, उससे एक छोटी दुकान किराए पर ले ले। बटना दुकान होगी तो नो कलैश, नो कलैश तो नो सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी, नो सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी तो नो बिग बॉस ऑडिशन। नाइस नाइस, ऐसे ही अबला नारी बनने का नाटक करती रहो, शाबाश। योर्स, पागल वागल है क्या, हमें वैसे भी छोले भटूरे पसंद है, इंडियन ऑडियंसेस। रोज कोई आके मुझ पे बोलता है कि तू यहां नहीं लगाएगी, तू यहां नहीं लगाएगी, तू यहां नहीं लगाएगी, फिर चंद्रिका गेरा दीक्षित कहाँ कार्ड लगाएगी। यार फिर वही बात, अरे दल्लूपुरा की हेमा मालिनी, तुम्हारा दिमाग है सिंघाड़े की खेती। भरी सड़क पे कार्ड लगाना इलीगल है, चाहे वो 10 कार्ड हो या फिर 10,000। ये तो वही बात हो गई यार, जेब कतरा रो रहा है ना, मुझे DTC में जेब काटने देते हैं, ना मुझे दिल्ली मेट्रो में जेब काटने देते हैं, इतने सारे जेब कतरे भी तो जेब काट रहे हैं, मुझे ही क्यों जेब काटने से रोका जा रहा है। आज अगर रेडी से घर जाती हूँ ना, दिमाग में टेंशन नहीं होता मैम कि मुझे 80,000 रुपए रेंट देना है। देखा, यही होता है जब जबान चिकनी और बुद्धि मोटी हो, क्योंकि अपने मुंह से ही बोल रही है कि मेरे को रेंट देने की टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि सड़क तो सबके बाप की है, फुटपाथ तो सबके बाप के है, वहां पे इलीगल इंक्रोचमेंट करके रेडी लगाऊंगी, कौन देगा भाई, कौन लेगा टेंशन 80,000 रुपए किराया देने की। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो PM है, उनका कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे मोदी जी ने बोला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नहीं बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी से फिर इलीगल एनक्रोचमेंट कराओ। अरे यार इसको तेरे नाम वाले पागलखाने भेजो यार, ये क्या उल जलूल बातों के निबंध लिखती रहती है बैठे बैठे। किसी से गुंडागर्दी नहीं कर रही, किसी से भीख नहीं मांग रही। अच्छा गुंडागर्दी नहीं करती मैं, तो ये क्या है, निगम पार्षद ने बताया। मैडम पीछे हो जाइए, गलत काम कर रही हूँ, मेरी तबीयत खराब है, प्लीज मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, और अगर हुई ना तो उसका ब्लेम आप पे डालूंगी सीधा। इतनी तबीयत खराब तो बाय गॉड स्कूल असेंबली में रोज बेहोश होने वाले नाजुक मोहित की नहीं होती होगी, जितनी थाई चिली रेड पेपर की हो जाती है हर बात पे। तुम्हारे पिताजी कल तुम्हारे को ये बोले ना कि BJMC करके घर पे बेकार बैठा है, तो आगे से ये बोल देना, मेरी तबीयत खराब है, प्लीज मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी गर्दन पे लव बाइट देखकर तुम्हारे को परेशान करे, तुम्हारे से उल जलूल क्वेश्चन पूछे, तो ये बोल देना, मेरी तबीयत खराब है, प्लीज मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, गलत काम कर रही हूँ। जो खाके जाते हैं, किसी ने कोई बुराई करी आपके वड़ा पाव को लेकर? कभी नहीं। कभी किसी ने तुम्हारे वड़े पाव की बुराई नहीं करी? आए तो ये क्या है, वड़ा पाव ठीक था, इतना अच्छा नहीं था, पति बेचारा शुरू से लेके अब तक तांबे के ग्लास की तरह बज रहा है, और मेरे से लिखवा लो कि जिस हिसाब से ये अपने पति को पब्लिक में ट्रीट करती है ना, घर में इससे 10 गुना बुरा ट्रीट करती होगी। द फनीएस्ट थिंग अबाउट दिस एंटायर एपिसोड इज द फैक्ट कि भैया लोग रोते हैं कि भैया प्रशासन अपना काम नहीं करता, फुटपाथ पे चलने की जगह नहीं है, सड़कों पे गंद पड़ा रहता है, लोग खा के चीजें वहीं फेंक देते हैं। अब भैया जब प्रशासन अपना काम कर रहा है, ऐसी रेडियो को हटा रहा है, तो कुछ ऐसे लोग जिनका दिमाग उनके अंडकोशों में है, वो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अरे यहाँ होगा, पहली बात तो ये भंडारे के लिए हमें कोई परमिशन नहीं दे रहा। इस पूरे एपिसोड में इसने लड़ाई भी खुद करी है, मारपीट भी खुद करी है, लोगों के साथ गाली गलोच भी खुद करी है। जो लोग इसको मना कर रहे हैं कि वहां पर एनक्रोचमेंट मत करते,
तेरे चक्कर में हमारे बच्चे सेफ नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है, उनको भी दोषी करार ये कर देती है, हर बात पे रोना पीटना, पूरा घर इन्वॉल्व हो चुका है, अब पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी है, अब MCD भी बीच में आ गई है, लीगल हो जाएगा आगे जाके मैटर, और इसके बच्चे को घर पे ये जाके बताती होगी कि तेरी माँ कितनी अपस्टैंडिंग है, सिस्टम के अगेंस्ट खड़ी हो रही है। वो बच्चा ये सोच सोच के बड़ा होगा कि सिस्टम ने मेरी माँ के ऊपर अत्याचार किया था, जबकि एक्चुअल कहानी कंप्लीटली डिफरेंट। ये दोनों मियाँ बीबी पढ़े लिखे हैं, इनके पास ठीक ठाक पैसा भी होगा, जितना भी टैक्स इन्होंने चोरी किया है पिछले एक साल में अपनी रेडी से, उसको लेके थोड़ा लोन लेके एक दुकान ली जा सकती है, लेकिन टैक्स कौन भरेगा, दुकान के बाद बिल काटने पड़ेंगे, सारा का सारा खेल ही वो है। यहाँ पे इंटेंशन एक गलत होती हुई चीज को सही करने की नहीं है, यहाँ पे इंटेंशन है एक आईफोन को फ्लैश करने की, यहाँ पे इंटेंशन है मस्टैंगो में घूम के कोलैबोरेशन करने की, ना कि इस चीज की कि मैं पैसा बचा के प्रशासन के अगेंस्ट ना जाऊं बल्कि एक दुकान ले लूं जैसे तैसे करके। अब ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, मोहतरमा या तो बिग बॉस में आ जाएंगी या तो कोई DPT की पॉलिटिकल पार्टी आके इनको सपोर्ट करेगी, इनको दुकान दिलाने के लिए चंदा इकट्ठा करेगी और फिर वो पैसे लेके भग जाएगी और ये माता फिर वहीं आ जाएंगी वापस अपनी रेडी लेके, फिर सारा सिस्टम वैसे ही हो जाएगा। MCD बेचारे वाले अपना काम करना चाहते थे, उनको करने नहीं दिया जाएगा, पुलिस वालों को फिर से ब्लेम करा जाएगा कि भैया वुमन के ऊपर ये वायलेंस हो गया, वो हो गया, तुमने उनको कैसे जेल के अंदर डाल दिया, वही सारा चौथ भंगड़ा दोबारा होना है। तुम्हारे को क्या करना है, देखो और आगे बढ़ो, स्क्रोल करते जाना, रिपोर्ट जरूर करते जाना इसकी जो भी रील आए। बहरहाल हम मिलेंगे श्रीकांत के रिव्यू में, राजकुमार राव की नई फिल्म आ रही है जो कल आ रही है, ज्यादा लोगों को उस बारे में पता नहीं है, बट मेरे को उससे होप्स हैं, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। तब तक के लिए ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना। मामा मिया लज़ाने पप्पी, बाय बाय।